तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि ना फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में है। पहला चैप्टर है कि फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, किस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग ये ट्राई करेंगे, ट्राई आउट करेंगे कि फिज़िक्स जो है, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है ना कि फिज़िक्स है क्या, फिज़िक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है कि फिज़िक्स क्या है। और दूसरा टॉपिक ये है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो दूसरे टॉपिक में ये कहता है कि स्कोप क्या है फिज़िक्स का, मतलब जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कोप क्या है फिज़िक्स का। और दूसरा ये है कि एक्साइटमेंट क्या है, मतलब ना फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें, कितनी मतलब ना मज़े वाली चीज़ें पढ़नी है, कितनी मज़ेदार चीज़ें पढ़नी है। तो ये एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स हुआ। उसके बाद से फिज़िक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, कि फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है। और उसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या क्या हैं, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, क्योंकि कुछ ही फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटी दुनिया में होती हैं वो सारी उन सारे फोर्सेज की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद से नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कि फिजिकल लॉज का नेचर कैसा होता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद से एक बार ये हमें अगर पता चल जाता है तो उसके बाद से हम लोग अब ये चलते हैं कि नेक्स्ट व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो जब व्हाट इज़ फिज़िक्स की बात आती है तो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस। तो अब कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसके बाद से आपको हिंदी में उसको थोड़ा सा समझाऊंगा हर पैराग्राफ का मतलब। और अगर इसमें अगर कोई मुझे लगेगा कि ये टफ वर्ड है तो मैं ना उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से अंडरलाइन कर दूंगा। और जब आप पढ़ते होइएगा तो आप क्या कीजिएगा कि उसको नोट करके और उसका मीनिंग फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, मीनिंग फाइंड आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप तो आपको कोई परेशानी नहीं हो इसको पढ़ने में। तो ये हमारा मोड ऑफ लर्निंग होगा। तो यहाँ पर कहता है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। द नाइट स्काई विथ ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमंस सिंस टाइम इमेमोरियल। द रेगुलर रेपिटेशन ऑफ द डे एंड नाइट एंड एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, द इलिप्सिस, द टाइड्स, द वोल्केनोज, द रेनबो हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मटीरियल वेराइटी ऑफ मटीरियल्स एंड अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड अवे ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वायरमेंट केयरफुली, लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशंस इन नेचुरल फेनोमेना एंड बिल्ड एंड यूज न्यू टूल्स टू इंटरैक्ट विथ नेचर। दिस ह्यूमन एंडेवर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो शुरुआत से ही लोगों लोगों को, अब आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, तो इन सारी इन्वायरमेंट को जानने की लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि लोगों के अंदर अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को जानने की उत्सुकता होती है। और इसी उत्सुकता में लोगों ने मतलब ना अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप किए, ठीक है। जैसे अब ये हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट क्या क्या है, तो चारों तरफ इन्वायरमेंट है कि ना रात में आसमान जो है वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है, और आसमान में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो कि इंसान को, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप देखते होंगे कि रात में जब तारों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, उनको बहुत खुशी होती है। तो मतलब ना ये नेचुरल है कि जो भी इंसान अपने सराउंडिंग में देखता है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, फैसिनेटेड रहता है, ठीक है। फैसिनेशन का मतलब होता है कि उसको देख के उत्सुकता बढ़ना किसी चीज़ में, ठीक है, उसको फैसिनेटेड रहता है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि
अब और भी चीजें घटनाएं घटती हैं कि ना, जैसे दिन रात बदलते रहते हैं, ठीक है, रोजाना दिन होता है, रात होती है, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये दिन रात कैसे होते हैं, फिर ये ऋतुएं कैसे बदलती हैं, कि कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी सर्दी का मौसम आता है, ठीक है, फिर से कभी मतलब ना चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, फिर से समुद्र में ज्वार भाटा कैसे आती है, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, कि समुद्र में ज्वार भाटाएं कैसे आती हैं, और फिर से ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ठीक है, फिर से इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है, और ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ही उत्साहित करती थी, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत उत्साहित करती थी। तो उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और उनकी बिहेवियर ऐसे ऐसे हैं कि लोग देख के क्या होते थे कि मतलब ना सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर ये कैसे होता है। तो ये इंसान का, इंसान जो है इन चीज़ों को देखता है और सोचता है, ठीक है, और सोच के और अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखता है और उनमें एक पैटर्न ढूंढता है और उनमें एक रिलेशन ढूंढता है कि ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे पर मतलब ना कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे ना दिन होती है, दिन होता है, दिन में सूरज चमकता है, सूरज चमकने की वजह से क्या होता है कि दिन में गर्मी हो जाती है, गर्मी फैल जाती है, तो आदमी जो है वो मतलब ना दिन में काम करता है। फिर रात होती है, रात में क्या होता है, सूरज नहीं चमकता होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ठंडक हो जाती है, इसलिए आदमी अच्छे से सो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन में सूरज का उगना और गर्मी का होना, रात में सूरज का ना होना और सर्दी का होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और इसी नेचुरल फेनोमेनास और इसी मतलब ना नेचुरल फेनोमेना को अलग अलग तरीके से क्या किया गया, लोगों ने मतलब ना लोगों ने सीखना सोचना शुरू किया, ठीक है, और इस वजह से जो मतलब ना मानव जाति है वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जो जिसने आधुनिक मतलब जो जो आजकल का साइंस है और जो आजकल का टेक्नोलॉजी है, उस आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी को मतलब का जन्म हुआ, ठीक है। पहले के लोगों के पास तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत वहीं से हुई कि ना लोगों ने अपने आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये कैसे होती हैं, इनके होने का कारण क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ये होती हैं। तो ये बेसिकली बात है फिजिक्स में। तो हम लोग तो अभी तक आपको क्या समझ में आता है कि फिजिक्स में हम लोग अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और वो चीज़ें कैसे घटनाएं घट रही हैं और ये कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, यही हमारा बेसिक एम होता है। उसके बाद कहता है कि द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो वर्ड साइंस है उसका ये इसका ओरिजिन माने ओरिजिन वर्ड जो है वो साइंटिया है, साइंटिया कि जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब ना जानना, टू नो साइंटिया का मतलब होता है जानना। तो कब साइंस जो है वो एक तरह से जानकारी रखने को साइंस कहते हैं, मतलब ना लैटिन में साइंटिया से लिया गया है इसको, जिस जैसे कि संस्कृत वर्ड है विज्ञान, संस्कृत है विज्ञान, और अरबिक में साइंस को क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं, अरबिक में साइंस को इल्म कहते हैं, जो कि, और ये तीनों चीज़ें एक एक इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या है, नॉलेज, मतलब ना जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में जो नॉलेज है आपको, उसी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। उसके बाद कहता है कि साइंस इज अ ब्रॉ साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। कहता है कि साइंस जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, साइंस क्या है, नई चीज़ नहीं है, साइंस इन ए ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज, साइंस जो है उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव जाति है, क्योंकि मतलब ना जैसे ही लोग हुए होंगे तो उनकी चेतना जगी होगी और उन लोगों ने सोचना शुरू किया होगा और उनके आसपास की चीज़ों ने उन्हें आश्चर्यचकित किया होगा और उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि आखिर ये चीज़ें कैसी हैं। जैसे द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। ठीक है, जो अर्ली सिविलाइजेशन थी माने प्राचीन जो सभ्यता थी, जैसे इजिप्ट की सभ्यता, इंडिया की सभ्यता में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चाइना में जैसे चाइना की जो पुरानी सभ्यता है, चाहे ग्रीस
ग्रीस की जो सभ्यता थी, या मेसोपोटामिया जो दाजला फुरात नदी के बगल में बसा है, मेसोपोटामिया तो वहाँ की सभ्यता थी, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी तो वहाँ की सभ्यता थी, एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। तो साइंस का प्रोग्रेस इन सारे सिविलाइजेशन ने मिल के किया और बहुत सारे लोगों ने मिल के किया। फिर कहता है कि फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 1600 ईस्वी के बाद, ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। अब क्या हुआ कि उसके पहले तो दुनिया के मतलब ना चारों तरफ साइंस में मतलब ना लोग थोड़ा थोड़ा खोज करते थे, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद सबसे ज़्यादा जो साइंस पर काम हुआ उसमें किसने किया, उसको सबसे ज़्यादा यूरोप में साइंस पर काम हुआ, ठीक है, इन यूरोप, बाई द मिडिल ऑफ बाई द इन इन यूरोप। उसके बाद से बाई द मिडिल ऑफ 20th, बाई द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज। अब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में साइंस का बोलबाला फैल गया, विथ मेनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रैपिड ग्रोथ, और सारी दुनिया के लोगों ने साइंस के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये साइंस कितनी पुरानी है। साइंस बहुत पुरानी है, मतलब ना शुरू से ही लोग साइंस पढ़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और ऐसी भी बात नहीं है कि जो किताब में लिखा हुआ है वही साइंस है। साइंस क्या है, जो आपकी चारों तरफ जो घटनाएँ घट रही हैं और उन घटनाओं को आप समझते हैं, यही तो साइंस है और कोई खास बात नहीं है। और उसमें जो फिजिकल घटनाएं घट रही हैं, जो आपके आंखों के सामने चारों तरफ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अब एक क्वेश्चन है कि साइंस और साइंटिफिक मेथड में क्या फ़र्क है, ठीक है, कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। तो कहता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना। कहता है कि साइंस एक मतलब ना सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, एक ना सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट करते हैं किसी नेचुरल फेनोमेना को एकदम डिटेल से और इन डेप्थ समझने के लिए, ठीक है, ताकि उससे जो नॉलेज हमको मिले, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकें, उस नेचुरल फेनोमेना को कंट्रोल कर सकें या मॉडिफाई कर सकें। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंस इज व्हाट, साइंस क्या है कि साइंस जो है वो हम लोग अपने चारों तरफ जो देखते हैं उसको हम लोग और अच्छे से जान सकें, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें और या हम लोग आगे की घटना को बता सकें, तो यही बेसिकली क्या है, साइंस है। जैसे अभी क्या होता है, अभी उस साइंस का एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि ना अगर आपको पता हो कि आज गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का साइंस है जो कि ना वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइंस का बेसिकली यही काम है कि एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाना, एक्सपेरिमेंट करना और आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अनरैवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो ये जो हमारी जो लोगों की जो चेतना थी और ये जानने की जो इच्छा थी कि दुनिया के बारे में जानना और जो उसकी मतलब छुपी हुई चीज़ें हैं उनको उनको बाहर लेके आना, इसी वजह से साइंस जो है वो बहुत आगे बढ़ा। उसके बाद कहता है कि द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके उसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। जैसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, पहली चीज़ होती है आपकी सिस्टेमिक ऑब्जर्वेशन, और दूसरी चीज़ होती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरी चीज़ होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके बाद होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद से प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। अब यहाँ पर ये देखना है कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ना एकदम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हुआ कि
एकदम ना एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग कि पहले ये ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ये ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ये ऑब्जर्व करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना, जो हम लोग जिस नेचुरल फेनोमेना को, मतलब जिस नेचुरल फेनोमेना पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं उसके बारे में कुछ भी छूटे ना। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें ताकि हमको अच्छे से पता चल जाए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कि ना हम लोग रीजन आउट करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है कि ये ऐसा होता है तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, तो इसको क्वालिटेटिवली भी करते हैं और क्वांटिटेटिवली भी करते हैं। तीसरी चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई, मतलब ना जैसे कोई नेचुरल फेनोमेना है, तो उस नेचुरल फेनोमेना को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक इक्वेशन है, जो कि किस तरह का इक्वेशन है, जो कि बताता है कि किसी पॉइंट पर, किसी किसी टाइम में अगर एक्सेलरेशन मालूम हो और इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, तो हम लोग एक ये बता सकते हैं कि उसका मतलब वो कितना डिस्टेंस चला हुआ है किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है, क्या बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए। अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें ये पता हो कि उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है, मतलब ना एक्सेलरेशन कितना है उस ऑब्जेक्ट का, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और टाइम इंटरवल कितना है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वो इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर की होगी। दूसरा चीज़ ना कि प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। और ये एंड में एक साइंटिफिक मेथड में एक और चीज़ आती है कि प्रिडिक्ट करना किसी चीज़ को, कि मतलब ना जैसे अगर पुली पुली में से कोई चीज़ लटकाई जाएगी तो वो क्या होगा, वो नीचे जाएगी, तो ये एक तरह का प्रिडिक्शन हुआ। और उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना, और वेरीफाई करके ये देखना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब उसको फॉल्सिफाई करना। मतलब अगर कोई थ्योरी जो है क्या करते हैं कि 100 बार वो सही रहती है लेकिन एक बार गलत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी जो है वो सही नहीं है, फॉल्स हो गई वो थ्योरी, अब नई थ्योरी की जरूरत है। और सारी थ्योरीज का डेवलपमेंट उसी तरह से हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक ना आपको साइंस के बारे में पता चल गया, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर ऑल्सो हैव ए प्लेस इन साइंस। मतलब ये हुआ कि अब आप ना साइंस में इसका भी जगह होता है कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेट का मतलब ये होता है ना कि आप जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप ना फोरकास्ट कर सकते हैं। साइंस में इसकी भी जगह होती है, लेकिन बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थियोरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाई रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। देयर इज मच फिलोसॉफिकल डिबेट अबाउट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस दैट वी नीड नॉट डिस्कस हेयर। तो हम लोग ये कहते हैं कि साइंस में स्पेकुलेशन की जगह होती है, लेकिन आखिर में उसको ना सब्सटेंशिएट करने के लिए, आखिर में उसको ना लोगों को मनवाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट से उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से उसको प्रूव करना पड़ेगा या वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद कहता है कि द इंटरप्ले ऑफ थियरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। इंटरप्ले का मतलब होता है कि थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बीच में जो, मतलब ना आप एक बार थ्योरी दे देते हैं उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और दोनों को मिलाते हैं। तो कहता है कि द इंटरप्ले ऑफ थियोरी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। तो इसी तरह से साइंस का प्रोग्रेस होता है। साइंस जो है वो बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, मतलब वो हमेशा चेंज होते रहती है, बदलते रहती है। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह है कि आप उसी तरह से है कि जैसे ना चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं और आप उसको देख रहे हैं और आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर कहता है कि देयर इज़ नो फाइनल थियरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी। तो साइंस में क्या है, साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है ना कि इसको मानना है तो मानना ही है। आपको क्या करना रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर सही है तो मानेंगे, गलत है तो नहीं मानेंगे। चाहे उसको आइंस्टाइन ने कहा था, चाहे उसको न्यूटन ने कहा था, तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको आप अपने से रीजन कीजिए, आप ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर
अगर नहीं जानते हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे, या फिर देखेंगे कि ये थियोरी सही है या नहीं है, और आगे हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये घटनाएं कैसे घट रही हैं। तो एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसीजन और एक्सपेरिमेंट, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि प्रिसीजन का मतलब होता है कि कितना प्रिसाइज है आपका, कितना प्रिसाइज है, प्रिसाइज है मतलब ना कितना सही सही आप, मतलब कितना आप सही सही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट यील्ड्स न्यू रिजल्ट्स, तो क्या होता है कि कभी कभी ना आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उसमें जैसे जैसे आपका प्रिसीजन बढ़ेगा वैसे वैसे थियोरी भी चेंज होने लगेगी, नई नई बातें आपको पता चलेंगी। तो इसीलिए मतलब ना ये एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो एकदम हाईएस्ट प्रिसीजन से एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि थियरी जो जो आप थियरी डेवलप करें उस थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थियरी मस्ट अकाउंट फॉर देम इफ नेसेसरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशंस। समटाइम्स द मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थियरी फॉर एग्जाम्पल। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप ना अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन इस वजह से जो बेसिक थियरी होती है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जोहानस केपलर, अब इसने जोहानस केपलर के बारे में, जोहानस केपलर एक ना साइंटिस्ट थे जो न्यूटन से पहले के साइंटिस्ट हैं जोहानस केपलर। तो उन्होंने मतलब ना ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब ना जो आकाश में आपको आकाश गंगा जो आपको दिखाई दे रही है उसमें जितने भी तारे सितारे मतलब ना जितनी भी चीज़ें हैं जो आसमान में दिखाई दे रही हैं, तो उनके मोशन के बारे में उसने स्टडी किया था, और उसके मोशन के बारे में स्टडी करके उसने ये चेक किया था, उस मतलब ना उसके मोशन के बारे में स्टडी करके उसने चेक किया था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो मतलब ना कैसे कैसे उसका मोशन है। तो ये कहता है कि व्हेन जोहानस केपलर एग्जामिन द एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लेनेटरी मोशन मतलब जो हमारा सोलर सोलर सिस्टम है इसमें जो प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, वेनस है, ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो इनका मोशन उसका मतलब इनके मोशन का जो डेटा था, और वो डेटा किसने कलेक्ट किया था, टाइको ब्राहे मतलब जोहानस केपलर से पहले के एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था, मतलब डेटा को कलेक्ट इन द सेंस कि मतलब ना ये जो आपका मार्स है वो कैसे चलता है, नेपच्यून कैसे चलता है, ये सारी चीज़ों का डेटा पहले से था, उसको जोहानस केपलर ने क्या किया, एग्जामिन किया, और तब क्या किया, कहा कि द प्लेनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थियरी इमेजिन बाई निकोलस कोपरनिकस हैड टू बी रिप्लेस्ड बाई इलिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डेटा बेटर। तो अब देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें मतलब ना ये हैं। तो एक तो बात है ना कि हेलियोसेंट्रिक थियरी क्या है, हेलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, तो सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हेलियोसेंट्रिक थियोरी में ये बात थी कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के मतलब क्या है, सेंटर में है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है, मतलब ये एक सर्किल है, इस सर्किल में सारे और प्लैनेट जो हैं वो घूमते हैं और सन उसके सेंटर में है। तो हुआ क्या कि जोहानस केपलर ने जब जो टाइको ब्राहे ने जो डाटा मतलब कलेक्ट किया था उसको जोहानस केपलर ने क्या किया, एग्जामिन किया और देखा और कहा कि निकोलस निकोलस कोपरनिकस ने जो थ्योरी दी है कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी सारी चीज़ें उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं, ये सही नहीं है, ठीक है, अगर अगर तो अगर जो टाइको ब्राहे ने जो डाटा दिया है उस डेटा को उस वो डेटा तभी सही माना जाएगा, वो डेटा सही है, और वो डेटा अगर सही है तो इसका मतलब है कि ये सारे जो प्लेनेटरी प्ले मतलब ना जो सारी प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं कर रही हैं। ये किस तरह की ऑर्बिट में मोशन कर रही हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है मतलब ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में और क्या फ़र्क होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो देखो सर्किल क्या है, तो सर्किल तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए 1 रुपये का जो सिक्का है वो सर्कुलर है, 1 रुपये का सिक्का जो है वो सर्कुलर है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, तो जैसे जो अंडा आप देखते हैं अंडा, तो अंडा सर्कुलर नहीं है चाहे स्फेरिकल नहीं है, अंडा क्या है, इलिप्टिकल है। मतलब इलिप्टिकल में क्या होता है कि अगर ना सर्किल को
दो जगह से खींच दिया जाए, सर्किल को खींच दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि इलिप्स क्या होता है। तो मतलब ना ये जो है ना, स्केपलर ने कहा कि जो ऑर्बिट होगी वो क्या होगी, इलिप्टिकल होगी। और वो क्यों कहा, वो क्यों कहा, क्योंकि टाइको ब्राहे ने जो डाटा कलेक्ट किया था, टाइको ब्राहे ने जो डाटा कलेक्ट किया था, तो उस डाटा के हिसाब से जो निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका जो निकोलस कॉपरनिकस का जो थियरी था कि सन जो है वो क्या है, बीच में है और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो इसको जोहानस केपलर ने कहा कि नहीं, टाइको ब्रहे के डेटा के मुताबिक, ठीक है, डेटा के मुताबिक जो ऑर्बिट होनी चाहिए वो इलिप्टिकल होनी चाहिए। तो ये सारी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आगे रिसर्च होता है, आगे आगे रिसर्च होता है, जैसे जैसे चीज़ों को ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रिसीजन को बढ़ाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होता है, थियोरी में इम्प्रूवमेंट आती है। जो हमारी थियोरी है उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई कि पहले लोगों को लगता था कि प्लेनेटरी ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये हेलियोसेंट्रिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। ओकेजनली, अब उसके बाद से आगे चलते हैं, ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थियरी इज सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस। कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो नया ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो उसको जो पुरानी थियरीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो ना अच्छे से बता नहीं पाती हैं। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं कि मतलब ना ये कैसे हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि दिस कॉजेज अ मेजर अपहीवल इन साइंस। इस वजह से साइंस में बहुत बड़ा चेंज आता है। अपहीवल का मतलब होता है ना कि तूफान, कि मतलब ना एक तरह का चेंज आता है साइंस में, एक तरह का चेंज आता है और चेंज से फिर नई थ्योरी आती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, इट वॉज रियलाइज दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स टिल देन अ वेरी सक्सेसफुल थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फेनोमेना। तो क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अब न्यूटन का जो मैकेनिक्स है, जैसे ग्रेविटेशन है या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो ये सारी चीज़ें पहले ना बहुत सक्सेसफुल थी, लोग समझते थे कि इतनी ही साइंस है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जो एटॉमिक मतलब एटॉमिक लेवल पर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया कि एटॉमिक लेवल पर जो मोशन है उसको उसको ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो क्या करता है, वो नहीं बता पाता है कि ये मोशन कैसे हो रहा है, मतलब उसको वो डिफाई कर रहा था। तो अब इस वजह से अब जो एटॉमिक लेवल पर जो मोशन होता है उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे ना आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से मोशन के बारे में बताते हैं, तो उसी तरह से आपको ये बताना पड़ेगा कि लोअर लेवल पर जो मोशंस हो रहे हैं, मतलब एटॉमिक लेवल पर जो मोशंस हो रहे हैं वो मोशन कैसे हो रहे हैं। तो उन मोशन को बताने के लिए आपको फिर नए थ्योरी की जरूरत पड़ी। उसी तरह से फिर कहता है कि सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। उसी बात से कहता है कि न्यूटन ने ही लाइट के बारे में भी बताया था कि लाइट जो है, मतलब ना न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया था। फिर नए साइंटिस्ट लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का वेव है। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने कहा कि ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब दिखाया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने की वजह से फिर ये वेव थियरी जो है वो लाइट को ये नहीं कह पाती थी कि ये मतलब ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। अगर लाइट वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स टू डील विथ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फेनोमेना। तो इस वजह से क्या हुआ कि नया एक ना डिपार्टमेंट, मतलब फिजिक्स का एक नया मतलब ना एक नया डिपार्टमेंट बना, जिस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो क्या है, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स किस लेवल पर काम करता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सब एटॉमिक लेवल पर, मतलब ना एटॉमिक लेवल पर और सब एटॉमिक लेवल पर काम करता है। मतलब ना बहुत छोटे रेंज में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो
तो पहले क्या था कि लोगों को केवल न्यूटोनियन मैकेनिक्स पता था, लेकिन उसके बाद जो मतलब ना जब ना एटॉमिक लेवल पर फेनोमेना, एटॉमिक लेवल पर फेनोमेना का मतलब होता है घटना, तो एटॉमिक लेवल पर जब घटनाओं को मतलब ऑब्जर्वेशन किया, जब फेनोमेनन का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नए तरह की मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। और उस मैकेनिक्स को क्या कहा गया, उस मैकेनिक्स को कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स को क्या कहा गया, क्वांटम मैकेनिक्स। तो टू डील विद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फेनोमेना, तो मतलब मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फेनोमेना को डील करने के लिए किस जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स की। उसके बाद कहता है कि जस्ट अ न्यू एक्सपेरिमेंट मे सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव थियोरिटिकल मॉडल, जस्ट अ न्यू एक्सपेरिमेंट मे सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव थियोरिटिकल मॉडल, अ थियोरिटिकल एडवांस मे सजेस्ट वॉट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट्स, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मतलब ना वो आपको थियोरी में सुधार की जगह देता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के मतलब ना इन दोनों में एक दूसरे का के बीच में इस तरह का संबंध है कि जैसे अगर थियोरी में डेवलपमेंट हुआ तो उससे नए नए एक्सपेरिमेंट करने की जगह मिलेगी, और अगर एक्सपेरिमेंट में डेवलपमेंट हुआ तो थियोरी में सुधार आएगा। तो मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसके बाद से ये है कि द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल, मतलब ना जो अर्नेस्ट इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो एंड विच देन बिकम द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवेन इन क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवेन इन 1913 बाई नील्स बोर। ऑन अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल, 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 पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली बाई पॉल डिरेक इन 1930s एंड कन्फर्म्ड 2 ईयर लेटर बाई द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ पोजिट्रॉन बाई कार्ल एंडरसन। तो ये कहता है कि शुरू शुरू में लोगों को ये पता नहीं था कि मतलब ना एटॉमिक थ्योरी जो थी उसका भी डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स का जब क्या किया गया, बॉम्बार्डमेंट किया गया गोल्ड फॉयल पे, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया। तो उसने बताया कि न्यूक्लियर मतलब ना न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उसने सबसे पहले दिया कि ना न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है। और उसके बाद से क्या हुआ कि नील्स बोर ने फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट किया, और उसने हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया नील्स बोर ने, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब पॉल डिरेक ने मतलब ना पॉल डिरेक ने थियोरेटिकली सबसे पहले क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट एंटी पार्टिकल का, मतलब एक कोई पार्टिकल है तो उसका एक एंटी पार्टिकल है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एंटाई इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया, तो कार्ल एंडरसन ने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी से कार्ल एंडरसन ने बताया कि एंटी इलेक्ट्रॉन है, और थियोरिटिकल इम्प्रूवमेंट से किसने बताया, थियोरिटिकली किसने बताया सबसे पहले एंटी मतलब ना एंटी पार्टिकल के बारे में, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसी तरह से मतलब ना, तो थियोरेटिकली पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में किसने बताया, थियोरेटिकली एंटी पार्टिकल के बारे में पॉल डिरेक ने बताया। तो ये आप यहाँ पर अब अच्छे से देख सकते हैं कि मतलब ना कैसे एक ने थियोरेटिकल एडवांसमेंट लाया और दूसरे ने मतलब ना एक्सपेरिमेंटली इसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद कहता है कि फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज। अब जैसे फिजिक्स जो है जो नेचुरल साइंसेज पढ़ते हैं, मतलब जो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो नेचर में मतलब ना अलग अलग तरह से हम लोग नेचर को परसीव करते हैं। तो जैसे एक जिसमें एक तरीका है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, मतलब जो चीज़ें हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, मतलब ना फिजिकल क्वांटिटीज़। तो उसमें क्या है कि
विच ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर डिसिप्लिन लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो नेचुरल साइंस में ये भी होता है कि ना केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, तीन चीज़ों को नेचुरल साइंस में पढ़ना रहता है. तो अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि द वर्ड फिजिक्स, अब वर्ड फिजिक्स क्या है. तो वर्ड फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर. फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है इसका, ये ना ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है और जिसका मतलब होता है नेचर. फिजिक्स का क्या मतलब होता है? नेचर. इसीलिए तो इसको स्टडी ऑफ नेचर कहा जाता है. ठीक है. और इसका मतलब फिर कहता है कि इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी. इसका संस्कृत इक्विवेलेंट क्या है? भौतिकी. दैट इज यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. तो भौतिकी जो है उसका मतलब क्या होता है संस्कृत में? उसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ नेचर. उसके बाद कहता है कि अ प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी. कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है ना कि फिजिक्स को एकदम प्रिसाइजली डिफाइन किया जाए, और मतलब ना इसका मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हैं, दोनों बातें हैं. तो आपको बस ये पता रहना है कि हमको नेचर के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और मतलब ना वैसे और इसको ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉसिबली आप इसको डिफाइन कर भी नहीं सकते हैं. उसके बाद कहता है कि वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर. अब उसके बाद कहता है कि ठीक है, अगर हम लोगों को ये बताना हो कि फिजिक्स है क्या, तो वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है. अब ये हो गया कि मतलब ना ये कह सकते हैं कि फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो नेचर के जो बेसिक लॉज हैं, मतलब नेचर के जो बेसिक कानून हैं, मतलब जो बेसिक लॉ हैं जिस लॉ से नेचर फंक्शन करता है, और उन सारे लॉज के वजह से जो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह की घटनाएँ घटती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं. उसके बाद से कहता है कि द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन नेक्स्ट सेक्शन. हेयर वी रिमार्क ऑन द ट्रू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. तो आगे हम लोग ना स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे. स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि मतलब ना फिजिक्स में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब ना कितनी छोटी चीज़ से कितनी बड़ी चीज़ के बारे में, किस तरह की घटना से लेकर कितनी बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे. तो ये हुआ स्कोप ऑफ फिजिक्स. तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. तो कहता है कि इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज. The effort is to see the physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions. कहता है कि physical phenomena को हम लोग क्या करते हैं कि try करते हैं understand करने के लिए. In physics we attempt to explain diverse physical phenomena, मतलब जो physical ये जो हमारे चारों तरफ जो घटनाएँ घटती हैं उनको हम लोग try करते हैं किस तरह से, मतलब ना किस तरह से उसको आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकें. तो द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन. तो हम लोगों की सारी कोशिश यही रहती है, ये सारी यही कोशिश रहती है कि ना हम लोग किसी भी तरह से फिजिक्स में यही हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी घटनाएँ घटती हैं उनके बीच में संबंधों को तलाश कर सकें, उनके बीच में क्या कॉमनैलिटी है, मतलब क्या कॉमन है उसको तलाश कर सकें और ये फाइंड आउट कर सकें कि किस यूनिवर्सल लॉ पर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं. तो जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, किसी चीज़ में मतलब ना कभी दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो दो चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो आप जानते हैं कि ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है. तो मतलब ना दोनों चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है. तो अगर सोचो कि जब लोगों को ये पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तब लोग ये बात कैसे पता लगाते होंगे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है.
तो लोगों ने क्या किया होगा कि ऑब्जर्वेशन किया होगा अलग अलग चीज़ों को, और ये देखा होगा कि उनके बीच में क्या कॉमन बातें हैं। तो इन कॉमन बातों को लेकर के और फिर उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ दिया कि जब भी कोई दो चार्ज बड़ी होंगी, जब भी कोई दो चार्ज बड़ी होंगी तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह का फोर्स होगा, मतलब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इस तरह से यही बेसिकली हम लोगों का मेन मोटिव है जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि किसी भी तरह से फाइंड आउट करना कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें जो घटनाएं घटनी हैं ये घटनाएं कैसे घटनी हैं, और इन घटनाओं के घटने में कैसे कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मतलब अब उस कहता है कि ना इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ये चीज़ें घटती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन गिवेन बाई फॉर फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवेन बाई न्यूटन। ग्रेविटेशन को किसने दिया था? न्यूटन ने। ग्रेविटेशन को न्यूटन ने दिया था। बाई न्यूटन डिस्क्राइब्स जो मतलब ना जो मतलब ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाई न्यूटन डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो कहता है कि एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, जैसे न्यूटन ने क्या दिया कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन का लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो वो इसमें इतनी मतलब उसकी कैपेसिटी देखो, वो एक यूनिवर्सल लॉ है। और कैसे यूनिवर्सल लॉ है? तो वो क्या क्या बताता है? वो ये बताता है ना कि आपकी टोपी सिर से गिर गई नीचे तो वो क्यों मतलब ना क्यों गिरी उसके बारे में भी बताता है। पेड़ से आम टूट के गिरता है उसके बारे में बताता है, पेड़ से एप्पल टूट के गिरेगा उसके बारे में बताता है, कोई भी चीज़ किसी ऊंचाई से गिरेगी तो उसके बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि चांद जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो क्यों लगाता है। ठीक है, और उसी तरह से पृथ्वी जो है या हमारा जो प्लैनेट्स है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो क्यों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो लॉ होते हैं, जो मतलब ना फिजिक्स में जो हम लोग लॉ फाइंड आउट करते हैं, जो लॉ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे साइंटिस्टों ने जो लॉ फाइंड आउट करता है किया हुआ है, वो यूनिवर्सल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। यही मतलब ना ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है कि जो नेचुरल फेनोमेना हमारे चारों तरफ हो रही हैं उनके बारे में यूनिवर्सली हमको एक लॉ मिल जाता है जो कि वो सारी चीज़ों में हो रहा होता है। ठीक है, और इस वजह से हमको उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। कहता है कि सिमिलरली उसी तरह से द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशंस गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ ने किसी भी मोशन मोशन के बारे में बताया जिसमें कि जिसमें से जिसमें ना किसी ऊंचाई से कोई वस्तु मतलब ना कोई ऑब्जेक्ट गिर रही हो, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है मैक्सवेल का इक्वेशन जो है, मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना की सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वो मतलब सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। तो द अटेम्प्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम क्वेस्ट ऑफ यूनिफिकेशन। और जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं हमारी, जो हमारी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेज क्या हैं, तो उन सारी फंडामेंटल फोर्सेज को एक में मिलाने की जो हमारी जो चाहत है उसी को क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि मतलब ना जो हमारी चाहत है फंडामेंटल फोर्सेज को एक में मिलाने की उसी को क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। उसी को क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। उसके बाद कहता है कि अ रिलेटेड एफर्ट टू अ रिलेटेड एफर्ट इज टू डेराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। कहता है कि अ रिलेटेड एफर्ट इज टू डेराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। द अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। फिर ये कहता है कि जैसे मान लो कि कोई ना एक बड़ा सा मतलब ना कि कोई कॉम्प्लेक्स मतलब ना कोई कॉम्प्लेक्स इवेंट है या कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर हम लोग छोटा छोटा मतलब ना आसान चीज़ों में बांट दें तो उसको क्या कहते हैं? आइए 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 आइए
द रेट एफर्ट इज डिराइव्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। तो कहते हैं कि ये रिडक्शनिज्म कैसे है, तो मतलब ना कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइटम है आपके पास, और उस कॉम्प्लेक्स आइटम को आप आइडेंटिफाई करके और छोटी छोटी सिंपलर आइटम्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ना हमने इसका रिडक्शन किया। रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है रिड्यूस करना, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब छोटा करना, मतलब ना जो आपके पास एक बड़ा सा एक अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा एक इक्वेशन है या कोई बहुत बड़ी सी एक इवेंट है, तो उसको छोटे छोटे मतलब ना भाग में बांट देना, तो उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी डील्स विद बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वान्टिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। कहता है कि थर्मोडाइनमिक्स के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इसका पूरा इजाद कब हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था। और ये किस चीज़ के बारे में बताता है, ये बड़े बड़े सिस्टम्स के बारे में बताता है, और उसमें जो मैक्रोस्कोपिक मतलब ना दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ और एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसे माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल है टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सेट्रा। सब्सिक्वेंटली द सब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक थियरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेटेड दिस क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बल्क सिस्टम। इन पर्टिकुलर द टेम्परेचर वॉज सीन टू बी रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिकुल ऑफ द सिस्टम। तो मतलब ना अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो वो बल्क सिस्टम्स के बारे में बात करता है। बल्क सिस्टम क्या होते हैं, तो जैसे अब अगर आप देखेंगे तो कोई भी जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मतलब कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पास बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो एक तरह का क्या हुआ, बल्किंग सिस्टम। मतलब ना जैसे मान लो कि मिलियन ऑफ एटम्स हैं, और उस मिलियन ऑफ एटम्स से मतलब ना मान लो कि 100,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 100,000 ऑफ मॉलिक्यूल्स से वो कोई ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब सारे एटम्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या होगा। तो अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग ना उसको छोटा कर करके मतलब ना जैसे सबसे पहले तो टेम्परेचर आदमी को पता रहता है, तो उसके बाद से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेम्परेचर किस चीज़ से बढ़ रहा है। तो देखा गया, तो ये देखा गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोगों को देखनी होती हैं। तो ये मतलब ना आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया कि रिडक्शनिज्म कैसे करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स का क्या स्कोप है और क्या एक्साइटमेंट है। तो सबसे पहले तो स्कोप के बारे में हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्कोप होता क्या है। तो कहता है कि वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाई लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो अब ये हम लोग ट्राई आउट करेंगे कि स्कोप मतलब ना फिजिक्स जो है वो कितनी बड़ी चीज़ के बारे में बात करता है, कितनी छोटी चीज़ के बारे में बात करता है। तो स्कोप का मतलब यही होता है ना कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। मतलब ना जैसे अब फैलाव तो ना लफ्जी माना हो गया उसका, कि लव उस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, लेकिन फिजिक्स में जो स्कोप यूज होता है वो उसका मतलब होता है कि जैसे एक चींटी से लेकर के हाथी तक के बारे में बात भी फिजिक्स के अंदर करेंगे, और मतलब ना छोटे से छोटे एटम से लेकर के और गैलेक्सीज के बारे में भी हम लोग बात फिजिक्स में करेंगे। तो ये बेसिकली स्कोप है। तो कहता है कि बेसिकली देयर आर टू डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। तो होता क्या है कि यहाँ पर दो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पहला क्या है, एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो कहते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो मतलब चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मतलब ना कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक हैं, फिर से फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स का मतलब ना, जो हमारी जो हमारा यूनिवर्स है वो जाए, मतलब ना जो हमारा यूनिवर्स है या फिर जो कॉस्मोज हैं, तो इस यूनिवर्स स्केल पर जब हम कोई बात करते हैं, या फिर हमारे जो नज़दीक जो हमारा वायुमंडल है उसके लेवल पर जब हम बात करते हैं, तो उसको कहते हैं ना कि ये टेरेस्ट्रियल लेवल पर। तो ये सारी मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं, और जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मतलब एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम से भी छोटी सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो कहता है कि अब ये कहता है ना कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब ना, द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक मतलब ना जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डील करता है, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मतलब ना ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, और उस माइक्रोस्कोपिक डोमेन में किस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, एटॉमिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फेनोमेनाज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात होती है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स, अब एक और चीज़ होती है ना कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो मतलब ना फिजिक्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है कि मतलब ना जो फिजिक्स जो आजकल के मतलब ना लेटर बाद के साइंटिस्टों ने, मतलब नए जो नया ईजाद हुआ उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मतलब जो, और जो पुरानी फिजिक्स है, मतलब जिसको न्यूटन वगैरह लोगों ने, न्यूटन से और न्यूटन से पहले वाले लोगों ने जो फिजिक्स दिया था, उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स। कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को डील करता है। मैक्रोस्कोपिक माने बड़ी बड़ी चीज़ों से जो घटनाएं घटती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के चलने से, उनके मोशन से जो घटनाएं घटती हैं, उनसे कौन डील करता है, क्लासिकल फिजिक्स। और उसमें क्या क्या है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है, ऑप्टिक्स है और थर्मोडाइनमिक्स है। उसको कहता है कि मैकेनिक्स फाउंडेड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन। अब क्या है कि मैकेनिक्स जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। अब इसी वजह से ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी वजह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जिस आदमी को समझ में नहीं आएगा, वो मैकेनिक्स अच्छे से नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड ही है। ठीक है, जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। कहता है कि मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न विद द मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। ठीक है, और ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, मतलब कोई पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है या फिर मोशन में है, रिजिड और किस तरह की, अच्छा जो पार्टिकल है वो रिजिड है या डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो या तो एक बॉडी हो सकती है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकती है, या तो एक पार्टिकल्स हो सकता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होती हैं उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। तो कहता है कि द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट बाई अ जेट जेट बाई अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेज। कहता है प्रोपल्सन का मतलब है ना, प्रोपल्सन का मतलब ना जब जमीन से धक्का मार के कोई जेट ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं प्रोपल्सन। तो कहता है कि द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट रॉकेट बाई अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन द एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेंट रॉड अंडर अ लोड, ठीक है, एसेट्रा आर प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। तो जब हम लोग रॉकेट के प्रोपल्सन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर पानी में जो लहरें उठती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, या इक्विलिब्रियम मतलब ना किसी रॉड के बारे में पढ़ते हैं या लोड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के मतलब अंतर्गत आती हैं, किस चीज़ के अंडर आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद से क्या है कि इलेक्ट्रोडाइनमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स किस चीज़ के बारे में डील करता है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में डील करता है, तो वो डील करता है
इलेक्ट्रिक फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना किस चीज़ की वजह से होती हैं? तो चार्ज या मैग्नेटिक बॉडीज़ के वजह से होती हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना होने के लिए या तो चार्ज बॉडी होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक बॉडी होनी चाहिए। तो तभी क्या होगा, मतलब ना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना जो है वो सरफेस पे आएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर ना कोई न्यूट्रल बॉडी हो तो उसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है कि इट्स बेसिक लॉ वर गिवन बाय कूलम्स, और इसकी जो बेसिक लॉज हैं उसको किसने दिया था, तो गिवन बाय कूलम्ब, ऑर्स्टेड, एम्पियर एंड फैराडे, एंड इनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशन। तो कूलम्ब ने लॉ दिया, ऑर्स्टेड ने लॉ दिया, एम्पियर ने लॉ दिया, फैराडे ने भी लॉ दिया। मतलब ना किन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिक मतलब ना इलेक्ट्रिक फेनोमेना के बारे में लॉ दिया, फिर मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में लॉ दिया, और इन सारे लॉज को जो कूलम, ऑर्स्टिड, एम्पियर और फैराडे ने दिया था उनको एक जगह मिलाया किसने, तो उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। और उस वो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसने पूरे इलेक्ट्रो मतलब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक जगह लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, और उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो उस इसलिए उसको बहुत फेमस इक्वेशन कहा जाता है, मैक्सवेल इक्वेशन। उसके बाद से द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द रेस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट ऑफ एन एसी वोल्टेज, द वर्किंग ऑफ एन एंटेना एंड एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन आयनोस्फेयर एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स। अब उसके आगे ये बातें हैं ना कि इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स में और क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसमें और चीज़ें ये देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, चाहे मतलब ना करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चाहे रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट क्या होता है अगर उसमें कोई एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाए, या फिर ना एंटीना कैसे काम करता है, चाहे रेडियो वेव्स आपका रेडियो आपको आपका कैसे काम करता है, रेडियो वेव्स कैसे आयनोस्फीयर से वापस आ जाती हैं फिर से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ना जो चैप्टर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। और ये इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, एंटेना कैसे काम करता है, एसी वोल्टेज कैसे काम करता है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब ना बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स है, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स है, तो इसमें इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। तो कहता है कि ऑप्टिक्स डील्स विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग